नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री राम सूरत राय को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। और साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों से एक प्रकरण चल रहा है जिसमें कि लगातार भूमि सुधार राजस्व मंत्री राम सूरत राय फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनका कहा जा रहा है उनका स्कूल है उसमें एक ट्रक शराब पाया गया था, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आपके स्कूल में एक ट्रक शराब पाया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरा स्कूल नहीं बल्कि मेरे भाई का स्कूल है जिन्होंने दूसरे को लीज पर दे रखा था। उसके बाद से लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इसको लेकर के सदन में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राम सूरत राय को लगातार घेरते रहे हैं। वही आज एक बड़ा खुलासा किया गया और साथ ही कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कि वो स्कूल किसी और का नहीं बल्कि राम सूरत राय का ही है, उसके भाई का ही है। और उन्होंने लीज पर नहीं बल्कि जो अमरिंदर कुमार है जिसको कि फंसाया गया है शराब कांड में, उनको वो एक स्कूल में टीचर थे, काम करते थे, उनको पूरा प्रकरण में फंसाया गया अपने भाई को बचाने के लिए। और साथ ही उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा है कि राम सूरत राय बार बार कहते हैं उनके भाई से 10 साल से कोई नाता नहीं है बल्कि उनके पास प्रूफ है। उन्होंने तस्वीर भी दिखाई वो जिसमें कि राम सूरत राय 2017 में स्कूल का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं और साथ ही बच्चों को प्राइज वितरण करते भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही कहा है कि वो लगातार इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर के हमला करते रहे हैं राम सूरत राय पे। तेजस्वी यादव का कहना था कि जिस तरह से बिहार सरकार ये कह रही है कि जहां भी शराब मिलेगा वहां पे थाना खोला जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, वहां पे थाना नहीं खुला है, क्योंकि राम सूरत राय जो कि भूमि सुधार मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री है, मंत्री होने के नाते उनको बचाया जा रहा है, सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, पुलिस नेता के दबाव में आकर के मंत्री के दबाव में आकर के उल्टा जो दोषी नहीं है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके जो परिवार है अमरिंदर के जो परिवार है उसको फंसाया गया है, उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। और बकायदा जिनको गिरफ्तार किया गया है पूरा शराब प्रकरण के मामले, उनके भाई को उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किया पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उनके भाई ने भी कई बात बताई, इसमें कहा गया कि उनमें इसका भाई का हाथ नहीं है। जो रात जो तारीख बताई जा रही है उस तारीख को एक ट्रक आया था, एक ट्रक भरी हुई थी शराब से, और जब उनके भाई को पता चला तो उन्होंने बोचाहा थाना के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया था। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वो आए लेकिन उल्टा है उनके भाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उन्होंने साथ ही कहा कि उनके पास 2 चाबी था, एक अमरिंदर कुमार जो उनके भाई हैं और जो कि प्रेम हंसलाल हैं जो कि राम सूरत राय के भाई हैं जो कि स्कूल के मालिक हैं और स्कूल उन्हीं के नाम से है, एक चाबी उनके पास था। अमरिंदर के पास जो चाबी था वो उनके पास था, लेकिन दूसरा चाबी जो था वो उनके पास था वो उन्होंने किसी को दिया है, तभी जा करके स्कूल परिसर में एक तरफ शराब लाया गया। इन सब तमाम बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा खुलासा किया और साथ ही नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया है और साथ ही अब कवायद शुरू हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक मंत्री जी सत्ता में बने रहेंगे, मंत्री पद में बने रहेंगे, ये पूरा जो जांच है वो एक तरह से पूरा कहा जाए निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। इसी के कारण मंत्री जो कि राम सूरत राय है, भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार में है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, तब जाकर के निष्पक्ष जांच हो पाएगी। तो इसको लेकर के अब लगातार सदन में भी हंगामा होगा। आज जिस तरह से बीते दिनों से लगातार हंगामे देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये दूसरा मामला सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि राम सूरत राय का ही स्कूल उनके भाई का स्कूल है और राम सूरत राय बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं कि उनके भाई का उनका कोई कनेक्शन नहीं, 10 साल से वो भाई से नहीं मिले हैं, स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल परिसर में नहीं गए हैं, तो सारा सा झूठ बोल रहे हैं। उनके पास पूरा एविडेंस है और आने वाले दिनों में कई एविडेंस को पेश करेंगे। इससे पहले कि राम सूरत राय अपने सबूत को पेश कर, बकायदा उन्होंने कई तस्वीरें दिखाई जिसमें कि पुरस्कार देते नजर आ रहे हैं, उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं, पूरा नजर हमारी बनी हुई है, क्या कुछ सामने निकल करके आता है हम आपको पल पल की खबर बताएंगे। बने रहे भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।